हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए हम रिलेशनशिप बिल्ड कराना सीखेंगे और साथ ही साथ क्वेरीज में कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करा पाते हैं वो भी सीखेंगे और टेबल्स में कैसे रिलेशनशिप बिल्ड कराना है वो भी सीखेंगे। तो पहले टेबल्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ Q1, E1 और C1 नाम से तीन टेबल्स हमारे पास है, ठीक है। यहाँ पे तीनों टेबल्स हमारे पास है, आप देख सकते हैं। ये एक में कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम है, ठीक है। दूसरे में है एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम, और तीसरे में है ऑर्डर आईडी, आइटम नेम, प्राइस, एम्प्लॉय आईडी, कस्टमर आईडी, ठीक है। आइए देखते हैं कि रिलेशनशिप कैसे हम बिल्ड करा पाएंगे। तो सबसे पहले क्रिएट पे जाएंगे, क्वेरी विजार्ड पे जाएंगे। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिखेंगे। पहला ऑप्शन है सिंपल क्वेरी विजार्ड, दूसरा ऑप्शन है क्रॉस क्वेरी विजार्ड, क्रॉस टैब क्वेरी विजार्ड, और थर्ड ऑप्शन है फाइंड डुप्लीकेट्स क्वेरी विजार्ड, और फोर्थ ऑप्शन है फाइंड अनमैच्ड क्वेरी विजार्ड, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, सिंपल क्वेरी विजार्ड पे रख के ओके प्रेस करना है। अब यहाँ पर ये सारी चीजें, ऑर्डर आईडी वाली सारी चीजें यहां पर आ जाएंगी। तो यहां पे हमने ले लिया। अब हमें यहां पे चाहिए क्या, देखिए यहां पर आते हैं। तो ये कस्टमर आईडी हमने ऑलरेडी ले रखा है, ठीक है। हमें कस्टमर नेम चाहिए, तो कस्टमर नेम भी ले लिया हमने C1 टेबल से। अब E1 टेबल पे आते हैं। अब हमें एम्प्लॉय का नेम चाहिए, एम्प्लॉय आईडी हमने ऑलरेडी ले रखा है, ठीक है। तो ये ले लिया हमने और यहां से ओके प्रेस किया। तो यहां आपको तीन टेबल्स दिखाई पड़ने लगेंगे, ठीक है। यहां पे देखिए C1, E1 और D1, शो टेबल में ये तीनों टेबल दिखाई पड़ेंगे आपको, ठीक है। अगर आप इन टेबल्स को नहीं देख पा रहे तो यहाँ शो टेबल का बटन है, यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। टिक कर देंगे तो ये दिखने लगेंगे। अब हमें क्या करना है, टेबल्स की क्वेरी बनानी है। तो टेबल्स को टिक रखा है मैंने और यहां से C1 को इंसर्ट करा लिया, फिर E1 को इंसर्ट कराया, यहाँ पे एड करवा दिया, और एट लास्ट अब मैं O1 को इंसर्ट करा रहा हूं यहाँ पे। तो ये तीनों टेबल्स जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इंसर्ट करा लिए हैं, ठीक है। अब ये जो कस्टमर आईडी है, ठीक है, यहां पर जो कस्टमर आईडी दिख रही है हम हटा देंगे, यहां से क्लोज कर देंगे, ये वाली टेबल भी क्लोज करेंगे और ये एट लास्ट ऑर्डर वाली टेबल भी क्लोज कर देंगे। अब यहां पर हमें क्या करना है, ये जो कस्टमर आईडी है इसको हम उठा करके चाहे तो यहां ला सकते हैं, इसमें रख सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको भी इधर ले जा सकते हैं। तो इसको पहले ले जाएंगे हम, इसी को ले जाना सही है, इसको उठाएंगे हम और यहां कस्टमर आईडी के ठीक सामने ले आके रख देंगे। तो ये कस्टमर आईडी आ गई यहां पे, ठीक है। अब इन सब पे टिक कर लेंगे। पहला है इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, टिक कर लीजिए। कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स, इस पे भी टिक करिए। कैस्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स, इस पे भी टिक कर लीजिए। वन टू मेनी रिलेशनशिप ये बिल्ड हो जाएगा। तो ये देखिए वन टू मेनी रिलेशनशिप ये बिल्ड हो गया। अब यहां पर एम्प्लॉय आईडी की बात आती है, तो एम्प्लॉय आईडी को उठाइए और यहां पर ठीक एम्प्लॉय आईडी के सामने ले आके रख दीजिए आप यहां पे एम्प्लॉय आईडी। अब यहां पे इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी पर टिक कर लीजिए, कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स पर टिक कीजिए और कैस्केड डिलीट रिलेटेड फील्ड्स रिकॉर्ड्स पे भी टिक कर लीजिए और क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। तो ये रिलेशनशिप बिल्ड हो गई हमारी, आप देख सकते हैं ये किस तरह से रिलेशनशिप बिल्ड हो चुकी है हमारी। अब हमें क्या करना है, इसको सेव करते हैं। एक बार सेव कर लिया हमने, अब देखिए इसका फायदा क्या है। इसका बहुत सारा फायदा है, मैं आपको अभी दिखाता हूं। यहां पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो यहां ये कस्टमर की डिटेल है, ठीक है। अब यहां पर जैसे क्लिक करूंगा तो ये टेबल्स हमें ये बता रहा है कि ये जो कस्टमर है इनकी ऑर्डर आईडी है इतनी, और ऑर्डर क्या किया, कीबोर्ड किया, प्राइस कितनी है इतनी है, और कौन लेके आ रहा है, एम्प्लॉय आईडी लेके, एम्प्लॉय लेके आ रहा है जिसकी एम्प्लॉय आईडी ये है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब अगर हम एम्प्लॉय आईडी वाले पे जाएंगे तो यहां पे देखिए, यहां पे टिक करता हूं, क्लिक करता हूं, तो ये देखिए ये 501 नंबर का एम्प्लॉय आईडी है जिसका एम्प्लॉय जो है सचिन टी के नाम से है, और ऑर्डर आईडी 101 नंबर की वो उठा रहे हैं और कीबोर्ड लेके आ रहे हैं, 289 रुपए कीमत है, और हमारी जो कस्टमर आईडी है वो भी आपको दिख जाएगी यहीं पर। अब हम इसको फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फिलहाल अभी मैं फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर रहा, अभी हम चलेंगे थोड़ा क्वेरी के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। चलिए इतना कर लेने के बाद से हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेते हैं, सेव तो है ये। अब बात किसकी करेंगे, क्वेरी की करेंगे। तो क्वेरी कैसे बनाएंगे हम, तो क्वेरी बनाने के लिए हमें टेबल्स चाहिए होंगी। तो ये देखिए ऑर्डर आईडी वाली टेबल हम उठा लेते हैं यहां से, तो यहां देख सकते हैं प्राइस दिया हुआ है। प्राइस में क्या इंक्लूड करना है हमें, प्राइस में हम चाहते हैं कि यूनिट भी इंक्लूड कर दिया जाए, तो यूनिट इंक्लूड करने के लिए यहां पर आएंगे, डिजाइन व्यू पे आएंगे और यस कर देंगे इसको, कर्सर को,
और यहां से राइट क्लिक करेंगे तो इंसर्ट रोज दिखाई देगा। अब ये आपको पूरा डॉक्यूमेंट क्लोज करके दोबारा से ओपन करना होगा तब ये दिखेगा। इंसर्ट रोज पे क्लिक कर दीजिए तो यहाँ एक रो इंसर्ट हो गई है। हमें रो यहाँ नहीं चाहिए तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ से डिलीट कर दिया। हमें नीचे रो चाहिए प्राइस के ठीक नीचे, तो यहाँ इंसर्ट रो करेंगे तो ऊपर यहाँ रो आ जाएगी। अब यहाँ यूनिट कर देंगे हम, यानी कितना यूनिट बिका, एक बिका, दो बिका, कितना बिका, तो इसको भी हम नंबर में ही रखेंगे। ठीक है, यहाँ से नंबर रख लिया हमने। अब एक और रो हमें चाहिए, ठीक है। इस रो में हम क्या करेंगे, यहां से इंसर्ट कराएंगे। इस रो में हम क्या करेंगे, इस रो में हम एम्प्लॉई जो है कितने रुपए का ये ऑर्डर आया है और कितना यूनिट बिका है वो चीज हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी टोटल करेंगे हम। यानी कि एक यूनिट की कीमत इतनी है तो 10 यूनिट की कीमत कितनी हुई वो टोटल करके देखेंगे। तो यहां रख लेंगे हम करेंसी, ठीक है। तो ये कर लिया हमने। अब यहां से व्यू पे क्लिक कर देंगे तो ये व्यू होने लगेगा। ये सेव करने के लिए बोलेगा, पहले सेव किया तो यहां देख सकते हैं एक यूनिट और एक टोटल वाला कॉलम आ चुका है, ठीक है। अब क्वेरी में जाकर के क्वेरी बनानी है तो क्वेरी डिजाइन में जाएंगे, ठीक है। और ये टेबल कौन सा है, ऑर्डर आईडी वाला टेबल है तो इसको यहां से हमने ले लिया। और हमें जो जो चीजें चाहिए, अब हमें सारी चीजें चाहिए यहां से। ऑर्डर आईडी चाहिए, डबल क्लिक किया, आइटम नेम, प्राइस, यूनिट, टोटल, एम्प्लॉय आईडी, कस्टमर आईडी। अगर आप इसको छोड़ना चाहते हैं एम्प्लॉय आईडी कस्टमर आईडी को तो आप छोड़ भी सकते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल हमारा होकर के आ जाएगा। यहां से देखिए तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा। तो अभी कैसे आएगा टोटल, ये कैसे शो होगा, यहाँ पर जैसे ही हम यूनिट 7 रखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे टोटल आ गया, देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7, 6, तो इस तरह से करके हम टोटल लेके आ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, और यहां से जो है इसको हम सेव कर सकते हैं। ये क्वेरी वन के नाम से सेव हो रहा है तो मैं यहां पे कर देता हूं इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये हमने इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर के नाम से इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि इसमें ऑर्डर आईडी है, आइटम नेम है, प्राइस है, यूनिट है, क्या आप एम्प्लॉई आईडी खुद से एंटर कर सकते हैं इसमें, नहीं एंटर कर सकते आप। देखिए यहां पर अगर कस्टमर या कस्टमर आईडी भी नहीं आप एंटर कर सकते खुद से, कैसे मैं आपको करके दिखाता हूं। यहां अगर आप एंटर करने की कोशिश करेंगे कस्टमर आईडी या एम्प्लॉई आईडी तो ये नहीं एंटर कर पाएंगे आप, मैं दिखाता हूं करके। जैसे मान लीजिए ऑर्डर आईडी है 111, तो ऑर्डर आईडी तो आपने एंटर कर लिया। अब यहां मान लीजिए है जावा बुक, ठीक है। अब इसकी कीमत है मान लीजिए 750 रुपए, ठीक है। और यहां पर 5 बुक्स हमने ऑर्डर करी हैं, तो यहां टोटल तो आ गया, लेकिन यहां आप जैसे एंटर कीजिएगा एम्प्लॉई, यहां पे देखिए एम्प्लॉई आईडी भी एंटर होगी और ये देखिए ये एंटर हो गई। अब यहां पर जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये दे रहा है एरर, यू कैन नॉट एड और चेंज अ रिकॉर्ड बिकॉज अ रिलेटेड रिकॉर्ड इज रिक्वायर्ड इन टेबल E1। यानी एम्प्लॉई आईडी के लिए आपको एम्प्लॉई आईडी वाले एम्प्लॉई E1 वाले टेबल में ही जाना होगा, आप ऐसे इसमें रिकॉर्ड एंटर नहीं कर सकते, आपको हटाना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ये जो है इसका फायदा है, इसका बेनिफिट है। अब हमको E1 में जाना होगा और 510, अब 511 नंबर का जो एम्प्लॉई आईडी है वो एंटर करना होगा, ठीक है। गोपी लिख दिया मैंने नाम, टी, सेव किया, ठीक है। और अब हम इसको देख सकते हैं इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर में, अब हम यहां पे एंटर कर पाएंगे जो भी एम्प्लॉई आईडी है वो अब हम यहां पे एंटर कर पाएंगे। जैसे 511 है तो यहां 511 एंटर किया हमने, और कस्टमर आईडी जो भी होगी वो भी एंटर कर पाएंगे। तो अभी देखिए यहां कस्टमर आईडी फिर मैं अपने मन से 222 एंटर कर रहा हूं, अभी फिर प्रॉब्लम आएगी। तो देखिए ये प्रॉब्लम आ गई, अब ये कह रहा है कि C1 वाले टेबल में आपने ये एंटर करा ही नहीं है तो कहां से आ जाएगा ये। तो फिर आपको C1 वाले टेबल से ही इसको भी अपडेट करना होगा। तो C1 वाले टेबल में जाइए और यहां से आप 211 नंबर का ये है, और यहां पे सुहानी लिख दिया मैंने कस्टमर का नाम, ठीक है। और ये
हो गया, ठीक है। और अब यहां पर जो भी हमने एंटर किया होगा C1 में 211, ठीक है, वो यहां पर भी एंटर कर पाएंगे हम। देखिए अभी एक्सेप्ट कर लेगा तुरंत। तो ये फायदा